नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम जानेंगे दुनिया के कुछ फन फैक्ट्स के बारे में। यहाँ मैं कुछ ऐसी जानकारी दूंगा जिसमें कुछ तो रोचक हैं, कुछ अजीब से हैं और कुछ तो बेतुके से फैक्ट्स हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आपने परजीवी कीड़ों के बारे में तो सुना होगा, लेकिन क्या आपने परजीवी फंगस के बारे में सुना है? जंगलों में कई परजीवी फंगस होती हैं जो जंगल के कीड़ों पर हमला करती हैं। जैसे कि यहाँ पर एक चींटी ने परजीवी फंगस खाई है, जिससे अब उसका शरीर उसके काबू में नहीं है। ये फंगस चींटी के दिमाग पर कब्जा कर लेती है और उसे ऊंचाई पर ले जाती है। उसके बाद उसके शरीर से परजीवी फंगस बाहर निकलती है। प्रकृति का ये एक तरीका है जिससे छोटे कीड़ों की जनसंख्या को काबू में रखा जाता है। अब प्रकृति से बाहर निकलकर शहर की बात करते हैं, तो अमेरिका के शहर लॉस एंजलिस के डैम में 9,60,00,000 ब्लैक शेड बॉल्स क्यों हैं? शायद ये बॉल्स पानी को भाप बनकर उड़ने से रोकते हैं, जिससे काफ़ी पानी बचता है। लेकिन इन ब्लैक शेडेड बॉल्स की ये असली वजह नहीं है। असली वजह है कि यहाँ के पानी में ब्रोमाइड है। ब्रोमाइड यहाँ के पानी में कुछ मात्रा में रहता है। इस पानी को पीने से कोई नुकसान नहीं होगा। परेशानी तब शुरू होती है जब तेज धूप डैम के पानी पर पड़ती है। तब ब्रोमाइड में एक रिएक्शन होता है जिससे कार्सियोजेनिक ब्रोमाइड निकलता है। इसकी मात्रा अधिक होने से पानी जहरीला बनता है। इस परेशानी को सुलझाने के लिए ब्लैक शेडेड बॉल्स का सहारा लिया गया और ये बॉल्स काम आई। अब कुछ समुद्री जीवों की बात करते हैं। मादा ऑक्टोपस एक बार में 56,000 अंडे तक दे सकती है। ऑक्टोपस के अंडों को देखकर ऐसा लगता है कि फल लगे हों, क्योंकि ऑक्टोपस अपने अंडों को चट्टान से लटका के रखते हैं। ये अंडे चावल के दाने के बराबर होते हैं। अंडों में से बच्चों को निकलने में करीबन 6 महीने लग जाते हैं। उन 6 महीनों तक मादा ऑक्टोपस वहीं रहकर अंडों की देखरेख करती है और ना तो कोई शिकार करती है और ना तो कुछ खाती है। जब बच्चे अंडों में से निकलते हैं तब तक मादा ऑक्टोपस मर जाती है। अब समुद्र से निकलकर स्पेस की बात करते हैं, तो नासा की नई रिपोर्ट में कहा गया है कि 10 करोड़ साल पहले जब धरती पर डायनासोर जीवित थे, तब चंद्रमा की सतह पर लावा उगलते ज्वालामुखी थे। ये काफ़ी आश्चर्य की बात है, क्योंकि पहले माना जाता था कि धरती पर जीवन से पहले ही चंद्रमा की सतह शांत हो चुकी थी, और अब उसका उल्टा ही बताया जा रहा है। डायनासोर से याद आया कि आज के समय के सबसे बड़े जीवों में से एक हैं ब्लू व्हेल। ब्लू व्हेल एक बार में 5,00,000 कैलोरी का खाना खाती है, और वहीं मनुष्य 2,000 से 2,500 की कैलोरी पूरे दिन भर में खाते हैं। ब्लू व्हेल हमारी पृथ्वी के सबसे बड़े मैमल्स हैं। ब्लू व्हेल को देख पाना काफ़ी मुश्किल होता है, वे इतनी आसानी से नज़र नहीं आती हैं। अब इंसानों के तन ढकने के कपड़ों की बात करें, तो आपकी जीन्स में छोटी सी पॉकेट होगी जिसे ज़्यादातर लोग सिक्के रखने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और उन्हें लगता है कि ये पॉकेट इसीलिए बनी है। लेकिन इसका असली मकसद कुछ और है। 1890 के समय पहली बार लीवाइज ने अपनी जीन्स में एक छोटी सी पॉकेट दी, जिसका काम था उस समय की पॉकेट घड़ी को रखने के लिए। जिस समय की ये बात है, उस समय लोगों के लिए पॉकेट वॉच काफ़ी कीमती चीज़ मानी जाती थी। अब अजीब से स्वाद की बात करें, तो ब्रोकली का नाम सुनते ही बच्चों के मुंह बन जाते हैं, लेकिन ब्रोकली हमारे स्वास्थ्य के लिए काफ़ी अच्छी होती है। अब इस ब्रोकली को स्वादिष्ट कैसे बनाएं? ऐसा मैकडोनल्ड्स ने सोचा कि क्यों ना ब्रोकली को बबल गम फ्लेवर में बनाया जाए, और उन्होंने ऐसा किया भी। लेकिन जब इसके टेस्ट के लिए बच्चों से सुझाव मांगे गए, तो किसी भी बच्चे को वो पसंद नहीं आई, जिसके बाद उस पर आगे काम नहीं किया गया। अब हमारे शरीर की बात करें, तो हमारे शरीर की कई ऐसी बातें हैं जिन्हें हम अभी भी नहीं समझ पाए हैं। हमारा शरीर एक समय के बाद बढ़ना बंद हो जाता है, लेकिन हमारे शरीर के दो ऐसे अंग हैं जो हमेशा बढ़ते रह सकते हैं। इससे पहले कि आपका दिमाग कुछ और सोचे, मैं बता दूं कि
वो है नाक और कान। कई मेडिकल रिपोर्ट्स में ये साबित हुआ है कि हमारे नाक और कान 50 साल की उम्र के बाद भी बढ़ते रह सकते हैं। इंसानों से याद आया कि अब जानवरों की बात करते हैं। हम इंसानों को लंबी और बड़ी चीज़ें काफ़ी पसंद होती हैं। ऐसा ही कुछ है जिराफ के पास। जी नहीं, मैं उसके शरीर के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ उसकी जीभ की। जिराफ की जीभ करीबन 20 इंच लंबी हो सकती है, लेकिन इस लड़की की जीभ से कंपेयर मत करना। अब टमाटर का एक मज़ेदार किस्सा, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि टमाटर एक फल है। जी हाँ, जब सन 1700 के करीब टमाटर यूरोप पहुंचा तो लोगों ने उसे खाने से इनकार कर दिया, क्योंकि टमाटर को जहरीला माना जाता था। यहाँ तक कि इसे पॉइजन एप्पल का नाम दिया गया। ये अफवाह तब और बढ़ गई जब उस समय के एक मशहूर व्यक्ति की मौत हो गई टमाटर खाने के बाद। लेकिन उसकी मौत टमाटर की वजह से नहीं, बल्कि उस समय के अमीर यूरोपियन लोग प्यूटर के बर्तन में खाते थे। इस धातु के बर्तन में खाने को रखने पर खाने में से एसिडिक रसायन निकलता है जो जहर बन सकता है, जो इस अफवाह का असली कारण था। ये वीडियो आगे देखने से पहले मैं आप सभी से कहूँगा कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलिएगा। हमारी धरती रहस्यों से भरी हुई है और यहाँ रहने वाले छोटे से कीड़े भी कमाल करते हैं। हमारी धरती की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई है 29,032 फीट। लेकिन मैं कहूँ कि एक छोटी सी मधुमक्खी इससे भी ज़्यादा ऊपर तक उड़ सकती है, तो जी हाँ, ये सही बात है। ये साबित हो चुका है कि मधुमक्खियाँ 30,000 फीट से भी ज़्यादा ऊपर तक उड़ सकती हैं। मधुमक्खियाँ गर्म से गर्म और ठंडे से ठंडे वातावरण को सहन कर सकती हैं, और ये मधुमक्खियाँ ना हो तो हम इंसानों का भी बचे रहना काफ़ी मुश्किल होगा। ये छोटा सा कीड़ा हमारे इकोसिस्टम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। वहीं देशों की बात करें तो जापान एक अलग सा देश है, जहाँ कई सौ फ्लेवर्स की किटकैट मिलती हैं। इनमें से कई तो काफ़ी अजीब स्वाद वाली होती हैं। शकरकंदी, लाल मिर्च, सोयाबीन, ग्रीन टी, मकई जैसे अजीब से स्वाद वाली किटकैट जापान में मिलती हैं। आप भी कमेंट ज़रूर करिएगा कि आप इनमें से कौन से स्वाद की किटकैट खाना पसंद करोगे। वहीं ख़त्म हुई सभ्यताओं की बात करें तो रोमन उसमें काफ़ी आगे थे। रोमन लोगों के एक दिन में 24 घंटे ज़रूर होते थे, पर एक घंटे में 60 मिनट नहीं होते थे। उनका मानना था कि अलग अलग ऋतुओं में दिन की लंबाई अलग अलग होती है। इस कारण से ठंडी की ऋतु में एक घंटे में 45 मिनट होते थे और गर्मी की ऋतु में एक घंटे में 75 मिनट होते थे। अब ये मत पूछना कि बरसात की ऋतु में एक घंटे में कितने मिनट होते थे। वहीं एक और महान सभ्यता थी मिस्र की। मिस्र के लोग अपने समय में काफ़ी अजीब से काम किया करते थे। पेपे द्वितीय ने मिस्र में छठे राजवंश के दौरान शासन किया था। उसने 6 साल की उम्र से सिंहासन संभाला और 94 साल तक राजा रहे थे। पेपे द्वितीय मक्खियों से नफरत करता था। वो मक्खियों से इतनी अधिक नफरत करता था कि उसने अपने साथ एक दास को पूरे शरीर पर शहद का लेप लगाकर कोने में खड़ा रखता था, ताकि मक्खियाँ शहद से आकर्षित होकर उससे चिपक जाएं और उसे परेशान ना करें, जिससे वो अपना खाना पीना आराम से कर सके। अब पुराने समय से वापस आकर अभी की बात करें तो समोआ आइलैंड्स हवाई और न्यूजीलैंड के बीच में स्थित एक आइलैंड है। यहाँ पर एक अजीब सा कानून है कि अगर पति अपनी पत्नी का जन्मदिन भूल जाता है तो वो सजा का पात्र है, यानी कि ये एक अपराध है। अच्छा है कि भारत में ऐसा कोई कानून नहीं है, नहीं तो आधे से ज़्यादा पति अपराधी होते। तो ये था आज का वीडियो। अगर आपके पास भी कोई सुझाव है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियोस को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।